नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ओनली टीचिंग पर। दोस्तों, बिहार में जो भी शिक्षक नियोजन चल रहा है, इसकी जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके माध्यम से मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि जो इसकी अंतिम तिथि है वो बढ़ेगी। और आज जो बिहार सरकार है, उन्होंने आधिकारिक रूप से एक नोटिस जारी करके इसकी सूचना दे दी है। और सरकार ने अंतिम तिथि के साथ साथ पूरा शेड्यूल जो है वो बदल दिया है और अब इस नए शेड्यूल के अनुसार सारे कार्य किए जाएंगे। तो ये शेड्यूल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और एक तरीके से राहत है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि पिछले कई दिनों से रोस्टर का इंतजार कर रहे थे या वो बाढ़ से प्रभावित थे और आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये एक तरीके से उनके लिए राहत की बात है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इससे नाराज होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि अब जो बहाली प्रक्रिया है वो और देर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, इसी के अनुसार आगे जो काम है वो होगा। आइए हम एक बार नोटिस को पहले अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिस है इसमें आप देख सकते हैं विभागीय अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22 अगस्त 2019 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन के संबंध में संशोधित समय तालिका संसूचित किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा में यह पाया गया कि कई जिलों में रोस्टर का अनुमोदन एवं अनुमोदित रोस्टर का नियोजन इकाइयों को कतिपय कारणों से प्रेषण नहीं किया गया। यानी कि इस नोटिस में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कई जो नियोजन इकाइयां हैं उन्होंने जो रोस्टर है वो जारी नहीं की है। और राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ एवं जल जमाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना संख्या 1098 दिनांक 22 अगस्त 2019 की खंडिका 2 में अंकित नियोजन हेतु समय तालिका निम्नलिखित संशोधित किया जाता है। तो सरकार ने जो अभी बिहार सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, इन्होंने स्पष्ट रूप से 2 कारण बताए हैं इस संशोधन के लिए। पहला उन्होंने कहा है कि कई जिलों के जो रोस्टर हैं वो जारी नहीं हो पाए हैं और दूसरा जो उन्होंने कारण दिया है वो है बाढ़ का। और मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी कि यही 2 कारण है जिसकी वजह से देख लीजिएगा जिसकी अंतिम तिथि है वो बढ़ेगी। सबसे पहला अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जो नया शेड्यूल बनाया है सरकार ने नियोजन हेतु समय तालिका, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्यवाही निम्नलिखित समय तालिका के अनुसार की जाएगी। सबसे पहला विवरण और फिर दिनांक देखिए। सबसे पहला जो जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाइयों को प्रेषण 9 अक्टूबर 2019 तक, और फिर सभी नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन 10 अक्टूबर 2019 तक। यानी कि ये बात तो तय है कि जो 9-10 यानी कि आज हो गई है 4 अक्टूबर और अगले 5 दिन में जो सभी जिलों के रोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देख लीजिए ध्यान से आगे, आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि दिनांक 9 नवंबर 2019 तक, यानी कि जो अंतिम तिथि है वो 9 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आज से लगभग 1 महीना और तिथि जो है वो बढ़ चुकी है। मेधा सूची की तैयारी 20 नवंबर 2019 तक, मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 26 नवंबर 2019 तक, मेधा सूची का प्रकाशन 29 नवंबर 2019 तक, मेधा सूची पर आपत्ति 13 दिसंबर 2019 तक, आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर 2019 तक, मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन जो होगा वो होगा 21 दिसंबर 2019 को, जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन 11 जनवरी 2020 तक, नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण 16 जनवरी 2020 तक, आवेदन के साथ संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण 20 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2020 तक, और चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच एवं नियोजन पत्र निर्गत करना 29 जनवरी 2020 से। तो पूरा जनवरी तक का जो शेड्यूल है सरकार ने जारी कर दिया है। बस उम्मीद ये करिए कि अब जो और विलंब है वो ना हो। अभ्यर्थियों का चयन सूची में अंकित वरीयता क्रमांक अक्षुण्ण रहेगा तथा चयन सूची के अभ्यर्थी योगदान की तिथि से ये प्रभावित रहेगा। तो ये पूरी तरीके से जो नया शेड्यूल है वो सरकार ने जारी कर दिया है और अब इसी के अनुसार सारे कार्य किए जाएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा।
दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।